रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आजकल हमारे टेंथ क्लास के ऐसे चल रहे हैं, आज हमारा टॉपिक नंबर 6 है हेल्थ यानी सेहत। तो जिस तरीके से मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको ऐसे एज इट इज़ याद करते हैं विद क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के साथ ऐसे लिखने से आप 15/15 मार्क्स ईजीली बोर्ड में विन कर सकते हैं। पहले स्टूडेंट जो मेरे नोट्स को ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, पेपर दे चुके हैं पहले बच्चे, वो बड़े अच्छे नंबर इनमें विन बच्चों ने विन किए हैं। मोस्ट स्टूडेंट ने 15/15 मार्क्स विन किए हैं। जस्ट इसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स विन कर सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। यूट्यूब पर मेरा चैनल इंग्लिश विद्राना एहसान के नाम से है। तो जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देखने वाले न्यू कमर्स हैं या मेरे चैनल को न्यू कमर्स देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बेटा आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इस तरह हर नई आने वाली जो वीडियो लेक्चर है इसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा और आप इससे खूब मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ आते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊँगा कि इंग्लिश के ऐसे आपने तैयार कहाँ से करने हैं। 9th-10th क्लास के लिए बोर्ड की तरफ से इशू की गई बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसके लास्ट पे रिटर्न है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं स्टूडेंट्स, किसी भी बुक का अगर आप क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से याद करते हैं तो बोर्ड में इन बुक्स के लिखी हुई तहरीर को प्रेफर किया जाता है और इसमें पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं आपको। इसमें स्टैंडर्ड ऐसे हैं, अच्छी वर्डिंग यूज़ की गई है, आप यहीं से तैयार कीजिएगा। इसमें जो कोटेशंस हैं वो मैंने ऐड की हैं नोट्स की शक्ल में, तो आप वहाँ से ही मेरे ऐसे को देखें, यहाँ से तैयार करें। तो ये टॉपिक तैयार करने से पहले आप इंग्लिश में दोनों साइडों पर मार्जिन लाजमी लगाने आप लोगों ने। सेंटर में आपने टॉपिक का नाम लिख दिया हेल्थ, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें और अंडरलाइन भी करें इसको, ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। इसका आगाज़ हम कोटेशन से ही करते हैं। कोटेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाती है और ये किसी की तहरीर होती है। हेल्थ वेल्थ एंड विजडम आर इंक्रीज्ड थ्रू यूटिलाइजेशन। हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ अ वेल नाउन प्रोवर्ब ऑफन क्वोटेड बाय आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। When people meet, they usually ask. The word is usually. यहाँ पे लफ्ज़ ये है why. Ask one and other. How are you? How are you getting along? Next, reputation is number two. Notice को मैं अंदर लिखेंगे इसको भी. The first wealth is health. Second paragraph. तो स्टूडेंट्स पैराग्राफ का हमेशा ख्याल रखिएगा, जब हम स्टार्ट करते हैं 2 से 3 वर्ड्स की स्पेस छोड़ के लिखते हैं। पहला पैराग्राफ लिखा हमने, उसी की सी से आपका सेकंड पैराग्राफ आना चाहिए, इसकी आगे पीछे तहरीर आपकी ना आए। पैराग्राफ की जो तहरीर जो सी वो बिल्कुल आपने सीक्वेंस बराबर रखना है इसका। हेल्थ इज़ प्रीशियस एंड सर्टनली अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हाइजेनिक इन्वायरमेंट, पर्सनल क्लीनिनेस, होलसम फूड and a regular way of life are conducive to health. Early to bed and early to rise, meals at regular times, recovery and rest are sure to make a man healthy, wealthy and wise. Young people who have plenty of energy need to take vigorous athletic exercises इन द फ्रेश ओपन एयर। नेक्स्ट रिकोटेशन हमारी आ गई, पेज का सेंटर बना के लिखेंगे हम अगेन इसको। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इन केस वी आर रन डाउन और वर्कड और ड्रेडफुली सिक, वी कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। ही गिव्स अस अ टॉनिक और प्रिस्क्राइब्स अ स्पेशल डाइट। You are working too hard, he may say. That's what the trouble is. You cannot go on burning the candle at both ends. Next new question students, next question. The fitness of health can only be gained by sickness. Next new paragraph, we start with C se karenge. Sometimes one place out us very and take a sickness that.
It is a complete change in our environment. If we go to some other place on the hills or in the countryside, it does us a world of good. Change and fresh air are better than all the tonics in the world. Eating out is generally avoided by health conscious men and women. Homemade meals are the safest and the best in the world. Last quotation, he who enjoys good health is rich, though he knows it or not. जी स्टूडेंट बेटा, जब आपका कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो उसके लास्ट पे दो लाइनें लाजमी लगानी है आपने, इस मार्जिन से इस मार्जिन तक डबल यहाँ पे मार्जिन लगा के इसको क्लोज कर दें। इट्स मीन कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, और इसके आगे कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना है इसको क्रॉस करके फिर आपने नेक्स्ट न्यू पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जी स्टूडेंट जी बेटा, अगर आपको मेरे ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स भी दें ताकि मैं मज़ीद इनमें बेहतर से बेहतरीन जो इम्प्रूवमेंट है वो लेकर आ सकूँ। स्टूडेंट्स, अगली वीडियो लेक्चर आने तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।